हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे एक्सेल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल में डिवाइड करने के लिए हमने यहां पर कुछ अमाउंट वैल्यू ली है जिन्हें हम इन वैल्यू से डिवाइड करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है, पहली जो वैल्यू है वो 10,000 लिखी हुई है और हम उसे 20 से डिवाइड करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ इस सेल पर क्लिक करा, इक्वल टू का बटन दबाया। इक्वल टू बटन दबाने के बाद अमाउंट पर क्लिक करा और कीबोर्ड में डिवाइड साइन पर, इस साइन पर आप यहाँ पर दबाएंगे। जैसे ही आप ये दबाएंगे, इसके बाद आप डिवाइड वैल्यू को क्लिक करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे सेल में करते हैं, इक्वल टू अमाउंट वैल्यू डिवाइड बाई डिवाइड वैल्यू, एंटर। इक्वल टू अमाउंट वैल्यू डिवाइड बाई डिवाइड वैल्यू। ऐसे ही आप कितने भी रिजल्ट निकाल सकते हैं डिवाइड करके। अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं तो एक सेल को निकालने के बाद कोने पर जाएं, क्लिक पकड़ें छोटे प्लस के साइन से और इसे नीचे खींच दें। नीचे खींचने के बाद सारे सेल्स में वही रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल में डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।